तो अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हो और आपके पास इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है तो आपके लिए हमने कोर्स डिजाइन किए हुए हैं जो कि बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए, बीए जनरल के लिए, साथ ही साथ एमए इकोनॉमिक्स के लिए बनाए हुए हैं, जो कि आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। वहां पर आपको वीडियो कोर्स के साथ साथ आपको जो नोट्स है वो भी मिलेंगे जो कि इग्नू के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर भी हमने सॉल्व कराए हुए हैं, तो ये सब कुछ आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेगा। इस वीडियो में आप बच्चों से डिस्कस करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। तो बच्चों पांच मेथड हैं जिन पे हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप ये पूरी की पूरी वीडियो देखते हो तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र किया जाता है। तो सबसे पहला मेथड जो है उसको हम बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, इसको टोटल आउटले मेथड भी कहते हैं। इस वाले मेथड में जब हम प्राइस चेंज होता है तो उससे टोटल एक्सपेंडिचर पे क्या परिवर्तन आया, क्या डायरेक्शन में परिवर्तन आया, इसको मेजरमेंट करने का काम करता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। मैं आपको बता देता हूँ कि ये डिग्री को नहीं बताता जो एक्चुअल डिग्री होती है, बल्कि आपको एक डायरेक्शन दे देता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। बच्चों देखिए, सबसे पहले नंबर वन, टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है पहले हम ये समझ रहे हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर निकालने का तरीका होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। यानी कि जब मान लीजिए आपने क्या किया, 100 रुपये के हिसाब से 10 किलो आम खरीदे, इसका मतलब ये हुआ कि आपने आम खरीदने पर 1000 रुपये खर्च किए। मैं आपको यही चीज़ लेके चल रहा हूँ कि मान लीजिए प्राइस और क्वांटिटी और टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि प्राइस मान लीजिए इनिशियली 100 रुपये था, आपने क्या किया 100 क्वांटिटी बाय की, हम 100 क्वांटिटी ले लेते हैं, इसका मतलब आपने जो खर्चा किया वो 10,000 रुपये किया। अब मान लीजिए कि इसका प्राइस जो है वो बढ़कर 200 रुपये हो जाता है, और मान लीजिए कि गुड्स ऐसी है जो नेसेसिटी में आती है, जैसे दूध है, पनीर है, सब्जी है, यानी कि ऐसी गुड्स है जिसको आप छोड़ ही नहीं सकते हो। तो ऐसी गुड्स के केस में अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड में बहुत ज़्यादा कमी देखने को नहीं मिलेगी, हो सकता है कि थोड़ी बहुत कमी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग दूध पीना बंद कर देंगे, लोग सब्जी खाना बंद कर देंगे, लोग पानी पीना बंद कर देंगे। यानी कि जो नेसेसिटी गुड्स हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, तो आप फिर भी 90 रुपये खर्च कर रहे हो, इसका मतलब आपका जो एक्सपेंडिचर है 9×2 = 18,000 रुपये हो गया। इसी तरीके से अगर ये 50 रुपये हो जाए, मान लीजिए 50 रुपये हो जाए, तो ऐसा तो है नहीं कि आप ज़्यादा पानी पीना शुरू कर दोगे, चलो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी पी लिया, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा दूध पी लिया, लेकिन इसकी डिमांड में कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिलता है। इसका मतलब इस स्थिति में आपने जो खर्चा किया वो 5,500 किया। तो कहने का क्या मतलब है कि इस वाले केस में जब प्राइस बढ़ा है तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो घटी है, सॉरी प्राइस बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ा है, और प्राइस घटने से टोटल एक्सपेंडिचर में कमी देखने को मिली है। यानी कि सेम डायरेक्शन में चेंज हुआ है। किस डायरेक्शन में चेंज हुआ है? सेम डायरेक्शन। तो अगर प्राइस का और टोटल एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में चेंज होता है तो इसको बोलते हैं ईडी लेस देन वन। आप याद रखिएगा, इस केस में ईडी लेस देन वन होगी। दूसरा केस ले लेते हैं बच्चों। दूसरे केस में मान लीजिए कि आपका जो प्राइस है, क्वांटिटी है, टोटल एक्सपेंडिचर है। अब मान लीजिए आप कोई ऐसी गुड्स यूज़ कर रहे हो जिसका यूज़ करना आपके लिए कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, मान लीजिए उसका प्राइस 10 रुपये है और आप 100 क्वांटिटी बाय करते हो और आप खर्चा करते हो मान लीजिए 1,000 रुपये, चलिए 10,000 ही मान लेते हैं, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। प्राइस 200 हो जाए तो क्योंकि गुड्स बहुत ज़रूरी नहीं है, लग्जरी में शामिल है, आप उसकी डिमांड को बहुत ज़्यादा चेंज करते हो, यानी कि केवल आप केवल 40 गुड्स खरीदते हो, इसका मतलब आपका जो खर्चा है जो पहले आपका था 10,000 रुपये, ठीक है, वो कट के 8,000 रुपये रह गया। इसी तरीके से अगर वो 50 हो जाए तो आप क्या करते हो, 220 या 240 गुड्स की डिमांड करते हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो खर्चा है वो 12,000 रुपये हो गया। तो इस केस का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले केस में आपने, यानी कि प्राइस के बढ़ने से आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो घट गया, और प्राइस के घटने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हुआ है। प्राइस बढ़ी है,
एक्सपेंडिचर घटा है, प्राइस घटा, एक्सपेंडिचर बढ़ा है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो इस केस में जो ईडी होगी इट विल बी लेस देन वन, सॉरी इट विल बी मोर देन वन। एक और केस हम बच्चों ले लेते हैं, आप बच्चों के लिए ही ठीक है, यही ले लेते हैं। तीसरा केस और हम ले लेते हैं जिसमें हम कहते हैं कि प्राइस का और टोटल एक्सपेंडिचर, क्वांटिटी और टोटल एक्सपेंडिचर का रिलेशन ही तो जानना है, यानी कि प्राइस 100 रुपये पर, क्वांटिटी 100 है, आप 10,000 खर्चा कर रहे हो, प्राइस 200 होने पर भी आपने इस तरीके से डिमांड में एडजस्टमेंट किया कि आपका खर्चा 10,000 ही रहा, और प्राइस 50 होने पर भी आपने डिमांड को इस तरीके से एडजस्ट किया कि आपका खर्चा 10,000 ही रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस के बढ़ने से या घटने से आपका टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट बना रहेगा। इसका मतलब इस केस में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इट विल बी इक्वल टू वन, यानी कि मोर देन वन कब कहलाएगी, मोर देन वन कहलाएगी जब प्राइस बढ़ने से एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। देखिए यही सब बातें यहाँ पर भी लिखी हुई है, आप पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले तो आप याद रखिएगा कि इसका जो मेथड है वो मार्शल ने डेवलप किया, और बेसिकली ये पता करता है कि प्राइस चेंज होने से टोटल एक्सपेंडिचर किस डायरेक्शन में चेंज हुआ, और ये कॉफिशेंट को नहीं बताता, डिग्री एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं बताता। तीन पॉसिबिलिटीज हैं, मोर देन वन, लेस देन वन, इक्वल टू वन। मोर देन वन तब होगी जब प्राइस के गिरने से टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, और प्राइस के इंक्रीज करने से टोटल एक्सपेंडिचर फॉल कर जाएगा, ठीक है। और नेगेटिव में इसमें पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, यानी कि प्राइस बढ़ने से एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, प्राइस घटने से एक्सपेंडिचर घटेगा, और इक्वल टू वन में क्या होता है, प्राइस बढ़े या घटे एक्सपेंडिचर इक्वल रहता है। मैं आपको यही बात एक डायग्राम से भी समझा सकता हूं अगर आप इसको ठीक तरीके से देखें तो। यहां पे हम लिख लेते हैं टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर, और यहां पे हम लिख लेते हैं प्राइस। तो मान लीजिए किसी गुड्स का प्राइस पी ए है, तो उस पर इतना पैसा खर्च किया जा रहा है जिसको हम बोल देते हैं, मान लीजिए एल बोल देते हैं। अब प्राइस बढ़कर अगर ओ बी हो जाता है और आपका एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है, यानी कि प्राइस बढ़ने से आपका एक्सपेंडिचर बढ़ा, प्राइस बढ़ा साथ ही साथ आपका एक्सपेंडिचर बढ़ा, यानी कि सेम डायरेक्शन में हुआ है, तो इस केस में जो आपकी ई डी होगी इट विल बी मोर देन वन, यानी कि प्राइस बढ़ने से, सॉरी लेस देन वन, प्राइस बढ़ने से, प्राइस बढ़ने से एक्सपेंडिचर बढ़ा, इसलिए ईडी लेस देन वन होगी। अगर हम एक और केस ले लें जिसमें हम कहते हैं कि प्राइस बढ़ने से एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है, यानी कि प्राइस बढ़ गया लेकिन एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहा, देखिए ना बिल्कुल कांस्टेंट है, तो इस केस में ईडी होगी इक्वल टू वन होगी। और अगर प्राइस बढ़ने से एक्सपेंडिचर कम हो जाता है तो आपकी जो ईडी होगी इट विल बी मोर देन वन, यानी कि अगर प्राइस के बढ़ने से एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो ईडी मोर देन, लेस देन वन होगी, प्राइस के बढ़ने से एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है तो इक्वल टू वन होगी, और प्राइस के बढ़ने से घटता है तो ये इस तरीके का बच्चों डायग्राम बनेगा टोटल एक्सपेंडिचर का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई होगी बच्चों। अगला जो मेथड है ये, चले ये समझाने के लिए बनाया था, अगला जो मेथड है उसको बोलते हैं हम परसेंटेज मेथड। देखिए परसेंटेज मेथड के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको करवा दूंगा। बेसिकली इसमें क्या होता है कि हमारा जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि हम क्या करते हैं, परसेंटेज चेंज इन डिमांड को परसेंटेज चेंज इन प्राइस से डिवाइड करके हम अपनी वैल्यू निकालते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से निकालते हैं। देखिए परसेंटेज चेंज इन डिमांड का मतलब है चेंज इन डिमांड अपॉन इनिशियल डिमांड इंटू 100, और चेंज इन प्राइस का मतलब होता है चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस इंटू 100। अब जैसे मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि पिछले साल मेरी इनकम 500 रुपये थी और इस साल मेरी इनकम जो है वो बढ़कर 600 रुपये हो गई है, तो आपको मेरा परसेंटेज इनकम, परसेंटेज चेंज इन इनकम बताना है। तो कैसे पता करोगे, चेंज इन इनकम अपॉन इनकम, इनिशियल इनकम इंटू 100, यानी कि 100 को 500 से डिवाइड करके, तो इसका मतलब जो चेंज हुआ है वो विल बी 20%। तो इसी तरीके से अगर क्वांटिटी में परिवर्तन पता करना है तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 हो गया, प्राइस में परसेंटेज चेंज पता करना है तो डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 हो गया। जब इसे सॉल्व करने बैठेंगे तो ये 100 से 100 कट जाएगा,
इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा क्यू, जैसे यहाँ पे दिया हुआ डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल्टा पी अपॉन में पी, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इनटू लगाएंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा, और अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला चेंज करोगे तो पी बाय क्यू हो जाएगा। जो इसके आगे माइनस का भी साइन लगता है जो ये डिनोट करता है कि देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, तो आप इसका प्रयोग कर भी करके एक्सप्लेन कर सकते हो। तीसरा मेथड जो हम बात कर रहे हैं बच्चों वो है पॉइंट मेथड, यानी कि पॉइंट मेथड में क्या होता है, इसका भी प्रयोग मार्शल ने किया, इसका एक फार्मूला होता है वो होता है लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व इसको बच्चों ज्योमेट्रिकल मेथड से आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, इसके फॉर्मूले को डेरिवेट भी कर सकते हो, अपॉन अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। तो ये बच्चों हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम क्या करते हैं, दो तरीके के कर्व हो सकते हैं, लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको लीनियर समझाने की कोशिश करता हूं। आगे देखिए, ये एक सीधी रेखा में डिमांड कर्व है जिसको कि हम नाम दे देते हैं LM, और ये है बिल्कुल मान लीजिए मिड में A है, ये वाला जो है ये LM है, L है, B है और C है। अब हमें क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर इसकी जो इलास्टिसिटी है उसको पता करना है। तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर इलास्टिसिटी कैसे पता करेंगे बच्चों, बहुत आराम से आप समझिएगा। देखिए सबसे पहले तो ये वाला जो पॉइंट है ये बिल्कुल मिड में है, इसका मतलब ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं अगर कोई यहाँ पे आता है तो मिड से नीचे आएंगे और यहाँ से ऊपर आता है, और ये स्ट्रीम एंड पर है, इसलिए यहाँ पे बी और सी बता दिया है। अब हम सुविधा के लिए मान लेते हैं कि जो एल एम है इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, हमने मान लिया, सिंपल समझने के लिए हमने ये अज्यूम कर लिया कि जो एल एम है वो 4 सेंटीमीटर है, और हमारे फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हमें ए पॉइंट पर पता करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट ए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लोअर सेगमेंट को अपर सेगमेंट से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि ए एम को डिवाइड करेंगे ए एल से, बिकॉज वी नो दैट ए एम इक्वल टू ए एल, क्योंकि दो हिस्सों में बराबर बराबर हिस्से में बटा हुआ है, इसका मतलब है क्योंकि ए एम जो है वो बराबर बराबर है ए एल के, तो जो ई डी होगी इट विल बी इक्वल टू 1। अगर हम बी पॉइंट पे पता करें ई डी एट पॉइंट बी, तो आपको पता होगा बच्चों लोअर सेगमेंट कितना है, लोअर सेगमेंट इज बी एम और अपर सेगमेंट इज बी एल, तो बी एम की जो वैल्यू है डेफिनेटली जो बी एम होगा इट विल बी लेस देन लेस बी एल, यानी कि अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर हुआ, यानी 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर पॉइंट में ही आएगा, इसका मतलब इस केस में जो ई डी होगी इट विल बी लेस देन 1। इसी तरीके से बच्चों अगर हम ईडी पता करते हैं ईडी एट पॉइंट सी, तो लोअर सेगमेंट है सी एम, अपर सेगमेंट है सी एल, क्योंकि लोअर सेगमेंट जो है वो बड़ा है अपर सेगमेंट से, यानी कि जो सी एम है वो बड़ा है सी एल से, इसलिए जो आंसर आएगा ईडी का इट विल बी मोर देन 1। अगर हम पॉइंट एल पे पता कर लें, यहां पे मैं लिख देता हूं बच्चों ईडी एट पॉइंट एल, तो लोअर सेगमेंट कितना है, लोअर सेगमेंट इज एल एम, और यहां तो कुछ है ही नहीं, 0 बचेगा, यानी किसी भी वैल्यू को अगर आप 0 से डिवाइड करोगे तो आंसर इंफिनिटी आएगा, अनंत से आ जाएगा। ओके बच्चों, इसी तरीके से ईडी एट पॉइंट ए
एट पॉइंट एम एम, तो एम तो बचा है और पूरा का पूरा लाइन बची हुई है, यानी कि जीरो है ऊपर, मान लीजिए फोर ये है, तो आंसर जो आएगा इट विल बी जीरो। तो सिंपल कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, आप बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा कि इस पॉइंट पर ईडी जो है वो इक्वल टू वन होगी, इन सारे पॉइंटों पर ईडी मोर देन वन होगी, यानी कि सी पॉइंट पर ईडी मोर देन वन होगी, नीचे सारे पॉइंटों पर ईडी लेस देन वन होगी, इस वाले पर ईडी जीरो होगी और इस वाले पर ईडी इन्फिनिटी होगी। तो इस तरीके से हम सिंपल लीनियर डिमांड कर्व में आप एक ग्राफ बना सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, मैं आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इस अभी हम अगला जो है नॉन लीनियर उसको भी समझ लेते हैं। देखिए नॉन लीनियर है, मैं आपको तीन डायग्राम बना के दिखा देता हूं। इसमें मान लीजिए ये वाले डायग्राम है नॉन लीनियर, तरीका बिल्कुल वही है बच्चों। अब हमें क्या करना है, इसके इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पता करनी है ए पॉइंट पर। इसमें मान लीजिए हमें बिल्कुल इसके मिड पे पता करना है बी पॉइंट पर, और इसमें मान लीजिए यहां भी पता करना है सी पॉइंट पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे जो इस ए को इंटरसेक्ट करती जाए। अब थोड़ा सा ऊपर से आएगा ऐसे, ठीक है, थोड़ी टेढ़ी है लेकिन आप समझ जाइएगा। तो आप पाओगे कि जो हमारा ये वाली लाइन हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये बड़ा है और ऊपर वाला हिस्सा छोटा रहेगा, तो इसका मतलब है ईडी जो है वो मोर देन वन रहेगी। इस वाले हिस्से में आप जब इंटरसेक्शन करोगे इस तरीके से, तो दोनों हिस्सा बराबर बराबर होने की वजह से इक्वल टू वन होगा। और इस तरीके वाले डायग्राम में आप जब मिलाओगे लाइन, तो ये हिस्सा छोटा मिलेगा, इसलिए ईडी लेस देन वन होगी। यानी कि आप किसी भी मेथड का यूज करो, अगर हम इस एक की बात करें तो इस केस में जो ईडी है, ईडी एट पॉइंट ए, इस केस में ईडी जो है वो ए एल अपॉन ए एम है, यानी कि क्योंकि ए एल जो है वो बड़ा है ए एम से, इसलिए ईडी जो होगी वो मोर देन वन होगी। इस वाले केस में भी हम इसी तरीके से बात कर लेते हैं, क्योंकि ईडी एट पॉइंट बी, इस केस में अगर हम देखेंगे तो बी एम अपॉन बी एल, क्योंकि बी एम जो है वो बड़ा है बी एल से, इसलिए ई डी जो होगी इट विल बी मोर देन वन। सेम यहां पे देख लेंगे तो सी एम ई डी एट पॉइंट सी, क्योंकि सी एम जो है अपॉन सी एल, और यहां पे आप देख पा रहे हैं कि सी एम इज स्मॉलर देन सी एल, सो ई डी इट विल बी लेस देन वन। तो इस तरीके से बच्चों आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पता कर सकते हो, सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगला जो मेथड है बच्चों आर्क मेथड है। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम क्या करते हैं, दो पॉइंट पर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का काम करते हैं। देखिए मैं समझाता हूं किस तरीके से। जैसे मान लीजिए आपको ईडी पता करना है, तो फार्मूला क्या है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन मी क्यू। हम यहाँ पे माइनस को इग्नोर कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि हमारा प्राइस जो है वो ₹10 पर हम 100 क्वांटिटी बाय कर रहे हैं और ₹12 पर हम 80 क्वांटिटी बाय कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने आपको बताया। अब इनिशियल प्राइस क्या है ये हमें नहीं पता, हम एक डिमांड का ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए प्राइस ₹10 पर, क्वांटिटी 100 है, प्राइस ₹12 होने पर क्वांटिटी 80 है। पॉइंट ए पॉइंट बी, ये मान लीजिए हमारा सीधा डिमांड कर्व है, लीनियर डिमांड कर्व है। अगर हम ए को इनिशियल मान लें और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मेजरमेंट पता करें,
तो हमारा फॉर्मूला रहेगा ईडी इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय में क्यू। यानी कि कितना चेंज आया है, चेंज आया है क्वांटिटी में 20 का, माइनस लिख देता हूं मैं, वैसे हम माइनस को इग्नोर करने वाले हैं बच्चों, अपॉन प्राइस में 2 का इंटू इनिशियल प्राइस। इनिशियल प्राइस ए पॉइंट लिया है ना हमने, तो ये हम ए मान के चल रहे हैं, इस पे इनिशियल प्राइस 10 का है और इनिशियल क्वांटिटी 100 की है। तो अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे इट विल बी माइनस वन, आप इसे 1 भी कह सकते हो। इसी तरीके से अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं, जिसमें हम ये मान लेते हैं कि हम बी पॉइंट पर हैं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी तो सेम रहेगा इंटू पी। अब प्राइस लेंगे, इनिशियल प्राइस है 12 और इनिशियल क्वांटिटी 80। यानी कि अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आप देखोगे कि जो आपका आंसर आएगा इट विल बी 4 बचेगा, तो 8.5। इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग जगह अलग अलग आंसर आ रहा है, मतलब ए से बी पर जाने पे अलग आंसर आ रहा है, बी से पे आने पे अलग आंसर आ रहा है। आर्क का मतलब होता है चाप, इस तरीके का आर्क। आर्क हम क्या करते हैं, इस डिमांड कर्व के इस पॉइंट के बीच में, यहां पर मिडिल में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पता करेंगे। इसको बोलते हैं आर्क मेथड। यानी कि आर्क मेथड में क्योंकि इनिशियल प्राइस क्या है, इनिशियल क्वांटिटी क्या है, ये कंसिडर होता ही नहीं है, इसीलिए दोनों प्राइसेस को शामिल करते हैं, दोनों क्वांटिटी को शामिल करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला बनता है बच्चों, जैसे हमारा फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी बाय में क्यू, सॉरी गलत बोला मैंने, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय में क्यू। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसमें, ये वाला फॉर्मूला होता है हमारा परसेंटेज मेथड में। लेकिन आर्क मेथड में हम क्या करते हैं, दोनों ही प्राइस को शामिल करते हैं क्योंकि दोनों ही प्राइस को, दोनों ही क्वांटिटी को शामिल कर लिया गया है, इसलिए अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप ए से बी पे जा रहे हो या बी से ए पे आ रहे हो। यानी कि एक तरीके का एवरेज हम लेके चलेंगे। तो किस तरीके से आंसर निकलेगा बच्चों इस वाले मेथड में, वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर हम आर्क मेथड का यूज करते हैं, अच्छा वो ऊपर वाला डिलीट हो गया, कोई बात नहीं। अगर हम आर्क मेथड का यूज करते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी जीरो प्लस पी वन इंटू क्यू जीरो प्लस क्यू वन। यानी कि क्वांटिटी में जो परिवर्तन आ रहा है, अब क्वांटिटी कितनी चेंज हो रही है 20 की, अपॉन प्राइस में जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है 2 का इंटू, दोनों ही प्राइस ले लेंगे तो प्राइस हो गया हमारा 22 और दोनों ही क्वांटिटी ले लेंगे तो क्वांटिटी हो गई 180। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों, तो इसका मतलब है 22 बटे 18 को जब आप सॉल्व करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी वही वैल्यू आर्क मेथड के द्वारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का तरीका होगा। इसका मतलब इस केस में आप किसी को भी प्राइस मानो, किसी को भी क्वांटिटी मानो, आपके आंसर में किसी भी तरीके का चेंज नहीं देखने को मिलेगा। बच्चों लास्ट जो मेथड है वो है रेवेन्यू मेथड। रेवेन्यू मेथड किस तरीके से आपका सॉल्व होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए रेवेन्यू मेथड का फॉर्मूला होता है ए अपॉन ए अप माइनस एम। तो कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा गया है जिसमें आपसे रेवेन्यू में और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में किस तरीके से रिलेशन है वो बताना है। उसके लिए बच्चों हमने एक और वीडियो अलग से बनाई हुई है, वो कि आपको प्लेलिस्ट में जोड़ देंगे, आप चाहो तो उसको देख लीजिएगा, चाहो तो स्किप कर लीजिएगा, वो आपके ऊपर छोड़ दिया गया है। लेकिन आपको बेसिकली ये याद रखना है कि किस तरीके से हम इस पी पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करेंगे। तो हम जानते हैं कि लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट होता है, तो पी बी जो है वो लोअर सेगमेंट है और अपर सेगमेंट पी ए है। अब हम जानते हैं कि पी ए पी एन, देखिए ए क्या है, ए पी एन, ये वाला और ये वाला सिमिलर है, तो सिमिलर होने की वजह से इसकी जो 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 इसकी ये लाइन होंगी वो भी सिमिलर होंगी। यानी कि पी ए और पी बी की जगह हम पी बी जो है उसकी जगह हम पी क्यू लिख सकते हैं, और इसी तरीके से ए पी की जगह ए एन लिख सकते हैं।
अच्छा इसकी जगह ये भी देखिए, ये वाली लाइनें भी एक दूसरे के बराबर बराबर मानी जाएंगी, तो ये भी बराबर बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए एन है वो पी एल के बराबर होगी, तो ए एल और पी एन बराबर बराबर मान लिया हमने यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, यानी कि पी ए इक्वल टू ये वाली लाइन आ गई, यहां पे ये वाली लाइन लिख दी हमने, और इस ए एन की जगह पी एल यूज करेंगे तो हमने लिख दिया ये वाली लाइन, यानी कि पी, अब ये जो पी एल है देखिए ये वाली जो लाइन है पी एल, पी एल का क्या मतलब है, पी एल जो है वो किसके बराबर है, पी क्यू माइनस एल क्यू के, तो वो हमने यहां लिख दिया है बच्चों। इसका मतलब जो हमारा पी क्यू है पी से लेके क्यू तक, ये हमारी एवरेज रेवेन्यू है जैसा कि हमने यहां पे लिख दिया ए, और पी क्यू एवरेज रेवेन्यू है, इसमें से एल क्यू जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू है। तो आपका जो फार्मूला बनेगा वो ये बनेगा, इक्वल टू ए माइनस एम। ठीक है बच्चों, तो आप ये तरीका है रेवेन्यू मेथड निकालने का, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।